Good morning, dear student. Today we are going to start a new topic, that is quantum numbers. Please pay attention. This topic is very much important. This is the backbone of chemistry. Quantum numbers. What is quantum numbers? See, before come to the definition of quantum number, let me tell you one example. What is quantum number? See, from this example, it will be more clear. Suppose you have gone somewhere else in other country. आप किसी दूसरे कंट्री में गए हैं, वहाँ पर किसी से दोस्ती होने के बाद, मान लीजिए आपके एक फ्रेंड बने, आप उनको अपना वो अगर एड्रेस मानते हैं तो आप क्या क्या उनको बताइएगा कि वो आप तक पहुँच सके. Will it be enough to tell him that you belongs to India? क्या इतना बोल देना काफ़ी होगा कि आप इंडिया से हैं, वो आपको खोज पाएगा? नहीं. तो ऐसे केस में what we do, see, first of all, वो आपको ढूंढ सके, इसके लिए सबसे पहले हम लोग बताएंगे उनको कंट्री, विच कंट्री यू बिलोंग, किस कंट्री से आप हैं, दैट इज इंडिया. ठीक है, इतना बताने के बाद दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ टू फाइंड यू, वो आपको इससे पता खोज नहीं सकता. देन नेक्स्ट व्हाट वी डू, वी कैन टेल हिम दैट इन इंडिया वन स्टेट इज देयर, दैट इज झारखंड. झारखंड से नाउ व्हेन यू टेल हिम झारखंड, he will be more closer to you, but even then he cannot find you, okay? He will have many difficulties. तो next information जो आपको उनको दीजिएगा, that will be ताकि वो आपको आसानी से ढूंढ सके, in Jharkhand a district is there, that is Ranchi. तो इस तीन इंफॉर्मेशन से वो आपके ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं, आपको आसानी से ढूंढ सकते हैं. इवन दैन इसके बाद भी अगर आप उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि इन रांची देयर इज अ सिटी विच इज नोन एज खलारी और गगरा, वट एवर वेर एवर यू आर लिविंग खलारी, देन ही और सी कैन रीच टू यू इजीली बाई इज फोर इंफॉर्मेशन. इस इन चार इंफॉर्मेशन के आधार पर वो आपके पास तक आसानी से पहुंच सकते हैं. ठीक है, सो तो ये चार इंफॉर्मेशन जो है वो एक अननोन पर्सन को आपको ढूंढने में, इतने बड़े वर्ल्ड में आपको लोकेट करने में ये चार इंफॉर्मेशन को हेल्प करता है. दीज इंफॉर्मेशन गाइड एनीबॉडी टू फाइंड यू इन होल वर्ल्ड. ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एटम्स के किसी भी एटम में, न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में उनका पोजीशन डिफरेंट हो सकता है. तो किसी एटम में, ठीक है, एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का लोकेशन, पोजीशन कैसे उसको ढूंढा जाए, एग्जैक्ट उस लोकेशन तक कैसे उसको ढूंढे, इसके लिए ये चार इंफॉर्मेशन चाहिए. लाइकवाइज यहाँ, ठीक है, एक पर्सन को ढूंढने के लिए पूरे वर्ल्ड में आपको चाहिए होगा क्या, कंट्री का नेम, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट, देन योर सिटी वेर एवर यू आर लिविंग. ठीक इन दिस वे, इन द सेम वे, देर आर फोर क्वांटम नंबर्स. तो ये क्वांटम नंबर्स क्या है, ये फोर क्वांटम नंबर्स जो है ये किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन का पोजिशन क्या है, ठीक है, कहाँ पर है वो, ये सारा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का सारा इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन चार क्वांटम नंबर से पता किया जा सकता है. तो इन दिस वे दिज क्वांटम नंबर्स मे बी डिफाइंड एज, तब हम क्वांटम नंबर्स को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं. सी द डिफिनेशन नाउ, व्हाट इज क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स को हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ फोर नंबर्स, ये चार नंबर का एक सेट है, आर द सेट ऑफ फोर नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी मदद से वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हमें मिल सकता है क्या,
पूरी जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके बारे में, अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इन एन एटम, किसी एटम में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी हम लोगों को मिल सकता है ये चार क्वांटम नंबर के मदद से। क्लियर? सो दैट इज कौन कौन सी जानकारी मिल सकती है हमें, देयर लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस, वेयर दे आर लोकेटेड, देयर एग्जैक्ट लोकेशन वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दीज क्वांटम नंबर्स। द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, नाउ यू विल सी while proceeding further you will see that electrons like in class 10th we have studied they revolve around the nucleus in circular orbit. Now we will see here concept of, we will discuss here concept of orbital. Orbit ke andar bhi orbitals upasthit hota hai jisme electron present hota hai. To electrons kaun se orbital mein hai iski jankari hame mil sakti hai, ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड एंड ऑरिएंटेशन शेप ऑफ ऑर्बिटल, अगर वो ऑर्बिटल में है ठीक है तो उस ऑर्बिटल का शेप किस आकृति क्या है ये पता किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज फोर क्वांटम नंबर्स। सो लेट अस लुक एट द बोर्ड, लेट अस सी व्हाट आर दीज क्वांटम नंबर्स, क्या क्या है ये क्वांटम नंबर्स, प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट वन, फर्स्ट क्वांटम नंबर इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। सो रिप्रेजेंटेशन प्लीज मस्ट रिमेंबर द रिप्रेजेंटेशन विथ विच लेटर इट इज रिप्रेजेंटेड। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर represented by small m, and last one spin quantum number represented by small s।